नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज का अपना ये वीडियो जुड़ा हुआ है डी ट्रिपल एस बी की आज 26/3/2019 की लेटेस्ट अपडेट के साथ। एक नया नोटिस जारी किया गया है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। जल्दी से देख लेते हैं किस पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ और क्या ये नया नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए डी ट्रिपल एस बी की ये नई ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in। तो यहाँ पे अब अपडेट प्रोवाइड कराई जा रही है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। तो यहीं पे ये नया नोटिस जारी किया गया है। तो ये देखिए, ये है रिजेक्शन नोटिस नंबर 392 है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल, पोस्ट कोड 150/17। तो एक रिजेक्शन नोटिस जारी किया गया है। On scrutiny of documents uploaded by the candidates in the E-Dossier module, the candidates bearing following roll number in respect of the above mentioned postcode has been found to be not eligible in terms of advertisement number 4/17. The candidature of these candidates therefore stand rejected. तो ये candidate हैं unreserved category से एक, OBC category से तीन और SC category से दो candidate हैं और ST category से भी दो candidate हैं। Reason यहाँ दे दिया गया है, बिल्कुल सभी के roll number के सामने reason दिया गया है क्यों इनका candidates का candidature किया गया है cancel। उसके बाद देखिए, the candidature of the following candidate is also rejected for failing of upload their e-dossier during the scheduled time। और यहाँ जो दे रखे हैं कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी से चार कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी से एक कैंडिडेट है, तो इनका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपना ईडोजियर ही अपलोड नहीं किया था जो दिया गया समय था उसमें। तो ठीक है दोस्तों, यही एक नई अपडेट आई थी डी ट्रिपल एस बी की तरफ से निकल के। तो आपके साथ शेयर की है वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी किसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।